सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कैटलेसीमिया के बारे में। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ईजीली ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कैटलेस। किसी भी कंडीशन की वजह से या तो ये एंजाइम शरीर में बनना कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आज की डेट में ये देखा गया है कि ये बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि आजकल हमारे पास ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अक्सर ये देखा गया है जिन लोगों को एक कैटलेसीमिया है उनको सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं होते, क्योंकि उनकी फैमिली में इसका कोई ना कोई पेशेंट होता है, जिस वजह से वो अर्ली डायग्नोस हो जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस इस केसेस में बहुत ज़रूरी है, जिससे हम इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके कुछ पहले के केसेस में ये देखा गया था कि पेशेंट को मुंह में छाले हुए थे, वो छाले धीरे धीरे जाकर आगे बढ़ते हैं और वो डेंग्रीन फॉर्म में ले लेते हैं। कहने का मतलब, जो वो जहाँ पे वो छाले होते हैं उस आसपास का एरिया जो है डेड होना शुरू हो जाता है, और उसके डेड होने की वजह से हमारे मुंह के अंदर जो अल्सर्स हैं वो पेनफुल भी बन जाते हैं। इसके बाद अगर माउथ अल्सर्स और गैंग्रीन साथ में होता है तो ये कैटलेसीमिया एक और कंडीशन की तरह दिखता है, जिसका नाम है टकहरा डिजीज़। टकहरा डिजीज़ के ऊपर मैं आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है और उसका क्या इलाज है। इसके साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत रेयर देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे हमारे पास ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। हम आजकल ओरल सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं, हम आजकल ओरा सोर्स वगैरह, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो अल्सर्स को शुरू होते ही रोक देती है, क्योंकि उन सब में कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारे आसपास के जिस भी एरिया में ये दिक्कत होती है उसको हील करने में हेल्प करता है, जिस वजह से वो कॉम्प्लिकेट नहीं होती सिचुएशन और हमारी दिक्कत धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होती है। आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि पेशेंट को कैसे माउथ अल्सर्स हो गए, उसके गम का आसपास का जो एरिया है वो कैसे स्वोलन और डैमेज होना स्टार्ट हो गए, जिस वजह से उसको ये दिक्कत आ रही है। इसके बाद धीरे धीरे अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला और ओरल हाइजीन अगर उस पेशेंट की ख़राब रहती है तो ये एरिया डेड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उसके टूथ में पेन, माउथ में पेन, उसका खाना खाने का मन ना करना, ऐसे कुछ लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक कैटलेसीमिया के लक्षण क्या होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्किन ईचिंग हो सकती है जिस भी एरिया में, अगर आपको माउथ में है तो आपके माउथ के आसपास के लिप्स के आसपास के एरियाज में छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। आइज़ में ईचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी धीरे धीरे भूख मिट सकती है, उस एरिया में गैंग्रीन या डेड स्किन बन सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्मेटिकली ये दिखने में बहुत ही अजीब दिखता है, जिस वजह से लोगों को इसकी वजह से सोशल एंजाइटी डायलेमा जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम इस बीमारी की जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस एंड डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम खून की जांच करेंगे। खून की जांच करने से हमें ये पता चलेगा कि हमारे शरीर में कैटलेज एंजाइम है या नहीं। इसको करने के लिए आगे हम स्पेसिफिक टेस्ट की भी बात करेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद हम थायराइड टेस्टिंग कराते हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन है थायराइड हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और सेलुलर फंक्शंस को मेंटेन करता है। यदि किसी भी रीज़न की वजह से इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी इनएक्टिव हो जाता है, जिस वजह से हमें ये बीमारी साथ में हो सकती है। इसके बाद हम विटामिन एनालिसिस पे जाएंगे। हमारे शरीर में बहुत माइक्रो क्वांटिटीज़ में विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत मेजर काम करते हैं। अगर किसी इंसान को किसी भी तरीके से विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए या मिनरल डेफिशिएंसी हो जाए,
उन केसेस के अंदर हमारा सेलुलर फंक्शन ख़राब हो जाता है। अब इसी सेलुलर फंक्शन के ख़राब होने की वजह से हमारे सेल के अंदर स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं जो आगे जाके सेल को डेड कर सकते हैं और गैंग्रीन बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कैसे ये बीमारी किसी बड़ी बीमारी का भी एक सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर, कैंसर्स एंड डायबिटीज़। तो उससे उसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और यूरिन टेस्ट करना हमें बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के उस एरिया को अच्छे से एग्जामिन करते हैं जिस एरिया में उसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर उसके माउथ में अल्सर्स हैं तो हम उसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये अल्सर्स किस तरीके के हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। साथ ही साथ अगर हम इसे नॉर्मल कोई मेडिसिन लगाते हैं या फिर ओरल हाइजीन को अच्छा करते हैं तो ये तभी की तभी चले जाते हैं या फिर ये सस्टेन करते हैं। इसके बाद हम आसपास का टेम्परेचर देखेंगे उस एरिया का, उसमें ये देखेंगे कि पेन है, बर्निंग सेंसेशन है या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ साथ हम ब्लीडिंग भी स्पॉट करेंगे, अगर हमें ब्लीडिंग नहीं होती दिखती गम्स में से तो ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर हमें डिसऑर्डर को ढंग से जानना है तो इसकी हमें जांच करनी बहुत ज़रूरी है, और इसकी जांच जो है वो बहुत सिंपल है। हम खून का सैंपल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे। अगर तो वो सैंपल नॉर्मल रहता है तो हमारा एक कैटलेसीमिया नहीं है पेशेंट को, लेकिन अगर वो ब्राउन कलर का बबली रिएक्शन दिखाता है तो पेशेंट को ए कैटलेसीमिया है, यानी पेशेंट को कैटलेज एंजाइम की कमी है। उसके शरीर में या तो कैटलेज एंजाइम किसी वजह से नहीं बन रहा है, कोई जीन चेंजेस की वजह से, या फिर प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ। तो अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, यानी ट्रीटमेंट। तो हम ऐसे केसेस में स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स दे सकते हैं क्योंकि इन लोगों के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी रहती है, साथ साथ इनकी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अ हेल्दी डाइट इज़ अ गुड सोर्स फॉर टू हैव हील एनी डिजीज़। इसके साथ साथ सर्जिकली मैनेजमेंट, हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं उस एरिया को जहाँ पर हमें अल्सर दिख रहा है या फिर प्रोग्रेसिव अल्सर दिख रहा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे जाके गैंग्रीन में बदल रहा है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए हम सर्जिकली मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद हम कुछ दवाइयों के थ्रू भी इसकी साथ जो जुड़ी हुई बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे को ये लक्षण दे रहा है ट्यूमर का, कैंसर का या डायबिटीज़ का, तो हम उसकी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा मैनेजमेंट होता है वो है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज। तो एक रीसेंट रिसर्च के अंदर ये देखा गया है कि लेज़र थेरेपी और माइक्रोवेव थेरेपी अगर हम उस एरिया में लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम उस एरिया का पूरा ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं वो फ्लश अवे हो जाते हैं और पेशेंट का जो ये सोर है वो तो ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी वजह से आपका जो गैंग्रीन है वो प्रिवेंट हो जाता है, यानी पेशेंट के वहाँ की स्किन जो है वो डेड नहीं होगी, जिसकी वजह से उसे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस झेलने को नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, साथ ही साथ मेरी कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं या मेरे से कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे वॉइस कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।